हमें पता है कि एक एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं और उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह आता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो इसका जवाब हमें मिलता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। इस प्रिंसिपल का क्रेडिट जाता है ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट वोल्फगैंग पाउली को। चलिए देखते हैं यह प्रिंसिपल हमें क्या कहता है। यह प्रिंसिपल कहता है कि एक एटम के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार क्वांटम नंबर्स है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ चार क्वांटम नंबर एसोसिएटेड होता है। तो जो चार क्वांटम नंबर्स है वो चार क्वांटम नंबर्स क्या क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और फिर स्पिन क्वांटम नंबर। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो सेट है क्वांटम नंबर्स का, चार क्वांटम नंबर्स का जो सेट है ये यूनिक होता है। कहने का मतलब ये है कि एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों का चारों क्वांटम नंबर्स मैच नहीं कर सकता है। यही है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखें, इससे पहले जब हम ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए इन तीन क्वांटम नंबर्स का जो सेट है ये यूनिक होता है। मतलब किसी भी दो ऑर्बिटल्स के लिए ये तीनों का तीनों क्वांटम नंबर्स मैच नहीं कर सकता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। तो कंसीडर करते हैं एक ये है न्यूक्लियस और ये हो गया 1s ऑर्बिटल और ये हो गया 2s ऑर्बिटल और फिर हम अभी p ऑर्बिटल्स को बनाएंगे। p तो तीन ऑर्बिटल्स होंगे। सबसे पहले ये हो गया px ऑर्बिटल, जैसे लोब बनाता हुआ px ऑर्बिटल और फिर py ऑर्बिटल और फिर pz ऑर्बिटल। ये हो गया pz ऑर्बिटल। तो अब देखे, अगर हम इन ऑर्बिटल्स के लिए क्वांटम नंबर्स देखते हैं तो देखिए कैसे क्वांटम नंबर मिसमैच करेगा। हर एक ऑर्बिटल के लिए यूनिक सेट होगा इन तीन क्वांटम नंबर्स का। अगर आप 1s के साथ 2s को कंपेयर करें तो फिर यहां पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो अलग होगा, 1s के लिए 1 और 2s के लिए 2। अब अगर आप 2s के साथ 2p को कंपेयर करते हैं, 2s और किसी भी 2p को आप कंपेयर कीजिए, तो वहां पर आप पाएंगे इन दोनों के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम होगा, 2 होगा 2s के लिए और 2p के लिए, लेकिन एजीमुथल क्वांटम नंबर चेंज हो जाएगा। s के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है और p के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 होता है। तो यहां पर एजीमुथल क्वांटम नंबर चेंज हो गया। अब अगर आप 2p ऑर्बिटल्स को देखते हैं, चलिए p एक्स ऑर्बिटल, यह है पी एक्स ऑर्बिटल और यह है पी वाई ऑर्बिटल, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो वहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैच कर जाएगा दोनों के लिए 2 और एजीमुथल क्वांटम नंबर मैच कर जाएगा दोनों के लिए 1। लेकिन यहां पर मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर चेंज हो जाएगा। एक का ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस के अलोंग है, दूसरे का ओरिएंटेशन वाई एक्सिस के अलोंग है, तो दोनों के लिए ये डिफर कर जाएगा। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं एक एटम के अंदर किसी भी दो ऑर्बिटल के लिए इन तीनों क्वांटम नंबर्स का जो सेट है वो मैच नहीं कर सकता है, तीनों का तीनों क्वांटम नंबर मैच नहीं कर सकता है। अब देखिए कि जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है ये दो वैल्यूज होता है इसका, एक तो पॉजिटिव हाफ और दूसरा है निगेटिव हाफ। तो इससे हम ये बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये चार क्वांटम नंबर्स का सेट को यूनिक होना है और अगर हर एक ऑर्बिटल के लिए ये तीन क्वांटम नंबर्स यूनिक होता है और स्पिन क्वांटम नंबर दो तरह का हो सकता है, तो ऑब्वियसली एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 ही हो सकता है, 1 2। देखिए, अगर एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता
तो कभी भी चारों का चारों क्वांटम नंबर मैच नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्बिटल्स का जो तीन क्वांटम नंबर का सेट है यही तो मिसमैच करता है, मैच नहीं करता है। तो अगर हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा ऑब्वियसली उसका भी तीन क्वांटम नंबर्स मैच नहीं करेंगे। अब चौथा का चूंकि दो वैल्यूज हो सकता है तो ऑब्वियसली एक ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन कर सकता है, जैसे कि यहां पर इस ऑर्बिटल में पी एक्स ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन और पी एक्स ऑर्बिटल में ही दो इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों में चारों का चारों क्वांटम नंबर को अगर यूनिक होना है तो ऑब्वियसली इसके लिए अगर स्पिन क्वांटम नंबर पॉजिटिव हाफ होगा तो इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर नेगेटिव हाफ होगा। तो इस तरह से हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से यह समझ सकते हैं कि एक ऑर्बिटल में एटमोस्ट दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब देखिए लास्ट वीडियो में हमने एक फेमस फिगर पे बात किया था, ये था वो फिगर। ये हमें क्या बताता है, ये हमें सब शेल्स का एनर्जी लेवल बताता है, आप कह सकते हैं ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल बताता है कि कौन कितना एनर्जी लेवल में है। जैसे सबसे कम एनर्जी होता है 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का, फिर उसके बाद 2s ऑर्बिटल में, फिर उसके बाद 2p और फिर 3s में, फिर उसके बाद एनर्जी होता है 3p का, फिर 4s का, फिर 3d 4p 5s। एक एटम में ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन्स फिल होता है वो इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल होगा यहां पर 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, इस तरह से इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स फिल अप होता है एटम में। तो अगर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से हमने ये जाना कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं तो हम इन दोनों इंफॉर्मेशन से एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, बहुत हद तक हम इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ये 1s ऑर्बिटल जो है इसका तो ओरिएंटेशन सिर्फ एक ही होता है, ये एक ऑर्बिटल कह सकते हैं हम इसे, इसे सबशेल भी कह सकते हैं, इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। तो एक ऑर्बिटल में चूंकि दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है तो ऑब्वियसली ये जो 1s ऑर्बिटल है यहां दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, सिमिलरली फिर 2s में दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम, फिर 2p का तीन ओरिएंटेशन होता है px py और pz, मतलब तीन ऑर्बिटल्स हो गए 2p में। अब तीन ऑर्बिटल्स के लिए ये 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, सिमिलरली 3s में दो इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, और d के लिए 5 ओरिएंटेशन होता है, इसका मतलब ये 5 × 2 10 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर रख सकता है। सो यहां 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सिमिलरली यहां 2, यहां 6, यहां 10, और f के लिए कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, f के लिए ओरिएंटेशन होता है 7, तो ऑब्वियसली ये 14 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर रख सकता है। तो इस इंफॉर्मेशन को अब यूज करते हुए हम बहुत हद तक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बना सकते हैं। चलिए सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का। चलिए पहला एग्जांपल हाइड्रोजन, हमें पता है हाइड्रोजन में एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, सबसे पहले 1s में जाएगा, तो 1s में आ गया। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है उसे हम कुछ ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 1s में एक इलेक्ट्रॉन। अगला बढ़ते हैं आगे, हीलियम, हमें पता है हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली 1s ऑर्बिटल को भर देगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s में दो इलेक्ट्रॉन्स। आगे बढ़ते हैं लिथियम, लिथियम हमें पता है लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ग्राउंड स्टेट में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होगा वो क्या होना चाहिए, तीन इलेक्ट्रॉन्स, सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 1s ऑर्बिटल में, फिर अगला कौन भरेगा, एक इलेक्ट्रॉन अब भी बाकी है तो अगला कौन भरेगा, अगला भरेगा नेक्स्ट एनर्जी लेवल जो कि है 2s का, तो अगला 2s भरेगा, कितना इलेक्ट्रॉन बाकी रहेगा, एक, तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, 1s में दो इलेक्ट्रॉन और फिर 2s में एक इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम के लिए स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, 1s
टू बेरिलियम में चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वन एस टू और फिर अगला दो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, सो टू एस टू. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन. बोरॉन के लिए देखे ये पांच इलेक्ट्रॉन्स होता है बोरॉन में, तो यहां पर क्या होगा, देखिए पांच इलेक्ट्रॉन, पहला दो इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर दो इलेक्ट्रॉन 2s में, बचा एक इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 2p में. तो ये हम लिखेंगे 1s में दो, 2s में दो और 2p में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा. फिर कार्बन, कार्बन में छह इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो छह इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल होगा, 1s में दो, 2s में दो और 2p में दो, तो इसे हम कहेंगे 1s2, 2s2 और 2p2. इसी तरह से अगर ऑक्सीजन का एग्जांपल ले तो ऑक्सीजन में कितना होगा इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन में आठ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो आठ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल अप होगा, यहां पर देखें आठ इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है, तो सबसे पहले 1s में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर 2s में दो इलेक्ट्रॉन, बाकी बचा चार, 2p तो मैक्सिमम छह ले सकता है अपने अंदर, तो ये हो जाएगा चार, यहां पर आ जाएगा 2p में. तो ऑक्सीजन के लिए हम लिखेंगे 1s2, 2s2 एंड 2p4. तो इस तरह से हम बहुत हद तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं. मैं बार बार बहुत हद तक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि और भी कुछ रूल्स हैं जो कि जानना हमें जरूरी है. जैसे कि हमें समझना होगा सबसे पहले हंट्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और फिर यह भी हमें समझना होगा कि किस तरह से हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स जो है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है. तो अगले वीडियो में हम हंट्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पे बात करेंगे. जिस वीडियो का लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देख लें. अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी. तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय.